अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर ऑल फाइन। तो पहले आपको दिखाई थी ऑटोमेटिक गंदम कटने वाली मशीन, आज मैं दिखाऊंगा आपको धान काटने वाली मशीन। और ये बहुत ही स्मॉल साइज में है और ये धान को काटती है और जो उसका चावल है, चावल को ये अपने टैंक के अंदर स्टोर करती है। सो व्यूअर्स, ये वीडियो जो है स्पेशल बना रहा हूँ मैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। ये एक लेटेस्ट मशीन है पाकिस्तान के अंदर और ये पंजाब के अंदर इस्तेमाल हो रही है। तो अभी ये धान को अपने अंदर स्टोर कर रही है, ये देखें आपको मैं दिखाता हूँ। इस टाइम इसका सारा सिट्टा खाली है, जो चावल हैं वो इसने अपने अंदर टैंक के अंदर स्टोर कर लिए हैं। तो ये जो है ये मशीन बहुत ही लेटेस्ट मशीन है, तो आए आपको दिखाते हैं इसका मुकम्मल प्रोसेस। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। स्काई रोड की कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। ये इसकी फ्रंट लुक है, जहाँ से ये सारा इसको उठाती है और यहाँ से ये सारे चावल जो है ट्रॉली के अंदर डालती है और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी, तो इस मशीन की सबसे अच्छी खासियत ये है कि 14 मन जो धान है, 14 से 15 मन धान ये अपने टैंक में स्टोर करती है। और अभी हम इसको निकालेंगे धान को, कटिंग होते हुए आपको दिखाया, अब यहाँ से धान जो निकलेगा वो भी दिखाएंगे कि चावल इसने कैसे अलहदा किया। तो बड़ी फंटास्टिक मशीन है ये, इसका नाम जो है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ, कबूटा के नाम से है ये मशीन। तो ये देख रहे होंगे आप इसकी कटिंग, क्रॉस वन जी, कबूटा के नाम से ये मशीन है और स्काई रोड कंपनी है। जी, तो अब हम इसको खाली करेंगे, इसके टैंकर को आपको दिखाते हैं ये कैसे खाली होगी।
जी, तो अब हम इसको खाली करेंगे और ये आप देख रहे होंगे दिखाई दे रहा होगा कि ये कैसे इसको खाली कर रहे हैं। और 14 मन जो है धान हमारा इस टाइम रेडी है और ट्रॉली में भरा जा रहा है। ये कबूटा के नाम से मशीन है और इस टाइम ऑलमोस्ट इसने अपना टैंक खाली कर लिया। जी, तो इसने ऑलमोस्ट इसको क्लियर कर लिया और ये आगे की तरफ आ चुका है।